कौशाम्बी में अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया का बिना नाम लिए जमकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है और कुंडा की जनता ये बता चुकी है कि ये देश अब संविधान से चलता है, ना कि किसी की हुकूमत से। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है और इस भ्रम को तोड़ने का अवसर आ गया है। अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है, राजा और रंक बनाना मतदाता के हाथ में है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार में गुंडे और माफिया थर थर कांप रहे हैं। नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत पांडे हमारे से जुड़ गए हैं। नीतीश, अब ये तो क्लियर हो चुका है कि राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ है, तो अनुप्रिया पटेल जमकर बरसी हैं राजा भैया पर। जी, इन बयानों को देखकर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल का ये जो पूरा का पूरा बयान है वो राजा भैया को केंद्रित रखकर बोला गया है। और साफ तौर पर ये दिख भी रहा है, जिस तरह से वो अगर बात करे तो कौशाम्बी में रैली कर रही थी और कौशाम्बी के अंतर्गत कुंडा भी आता है, और कुंडा के पास जहाँ ये रैली थी उसमें जिस तरह इनकी गर्जना, और इस गर्जना में लगातार राजा शब्द को जिस तरह से बताया गया है, जिस तरह से उन्होंने बोला है सामने कि लोकतंत्र में राजा रानी पेट से पैदा नहीं होते, अब ईवीएम का बटन जो है वो बताता है कि राजा कौन है और जनता ही राजा और रंक चुनती है, तो ये कहीं ना कहीं राजा भैया पर कटाक्ष है। अब देखना ये होगा कि क्या राजा भैया इस बयान के जवाब में सामने आते हैं, क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात करें तो राजा भैया ने किसी भी पार्टी के नेता जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका समर्थन करने की बात नहीं कही थी, यानी वो किसी के पक्ष में नहीं है, जनता जिसे चुने वो माने। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर अनुप्रिया पटेल का ये बयान सामने है तो अब यह देखना होगा कि राजा भैया क्या इस पर कुछ बोलते हैं या फिर चुप्पी साधे रहते हैं। बिल्कुल नीतीश, और जिस तरीके से लगातार हम बयानबाजी भी देख रहे हैं, क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि जो कुंडा का इलाका है वो राजा भैया के इशारे पर ही चलता है, उनकी हुकूमत वहां पर चलती है, लेकिन इस बार अगर वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या आपको लगता है वहां क्या परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? करें तो कुंडा में राजा भैया स्थिति उस तरह की है कि जिधर राजा उधर वोट, ये कहा जा सकता है, और इसमें कोई कहने वाली बात नहीं होती है। कुंडा का रहने वाला हर व्यक्ति राजा के इस व्यवहार से, या फिर अगर यूं कहें कि पुराने जो उनके अपनी एक चीजें चली आ रही हैं उनसे कहीं ना कहीं जो परिचित है वो ये जानता है कि राजा भैया का एक कहना ही काफी होता है उस वोट को उस उनके इशारे पर मुड़ने के लिए। अब राजा भैया अगर समाजवादी पार्टी के साथ हैं तो देखना ये होगा कि उनके कहने पर वोटर किधर जाते हैं। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं कि कुछ दिनों पहले जो राजा भैया का बयान सामने आया था उन्होंने किसी भी दल का स्पष्ट रूप से समर्थन करने या फिर वोटरों को उस दल की ओर जाने की कोई अपील नहीं की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता जिसे चाहे उसे चुने, किसी के वो लेकर मेरा कोई अपना बयान सामने नहीं है। अब देखना यह होगा कि राजा भैया ने तो अपनी स्थिति स्पष्ट की थी, लेकिन राजा भैया पर कटाक्ष करती हुई अगर अनुप्रिया पटेल सामने आ रही हैं तो क्या राजा भैया इस बयान पर कोई कटाक्ष करते हैं या फिर इस बयान के बाद ऐसे ही बस चुप्पी साधे रहते हैं, ये देखने वाली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतीश जानकारी के लिए।